एक मिनट रुक जाओ, गजब। हमारे सुकंदर ब्लॉगर आज बटेश्वर धाम में दीप महोत्सव, जय श्री राम के नारे नजर आ रहे हैं और लिखे हुए दीपदान। और यहाँ पर हमारे साथ हैं मौजूद, ये घूमने आए हैं। और आपको कैसा लग रहा है आज बटेश्वर धाम में दीप महोत्सव हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पिछले साल भी आया था, 3 साल से लगातार आ रहा हूँ। मेरा गाँव खरगपुरा है जो कि खरौली के पास पड़ता है, और मैं यहाँ से कम 20 किलोमीटर से स्थल आता हूँ। मेरे साथ दो दोस्त भी आते हैं मेरे, जैसे कि खड़े मेरे पास भी खड़े वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पर इस बार थोड़ा हल्का रहा दीपोत्सव, सबसे पहला वाला हुआ सब घनश्याम भारती जी ने करवाया था, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने करवाया था और बहुत अच्छा करवाया था। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, दूसरा वाला भी हुआ था, हल्का फुल्का हुआ और इस बार तो और हल्का हुआ, पता नहीं। और ये कुछ नन्हे बालक लगे हुए हैं अपने कार्य में। और कैसा लग रहा तुम्हें? अच्छा, एकदम ललन टॉप। ललन टॉप प्यारे, समझ गई कि नहीं समझ गई? अरे मेडियो आए हो, बाय, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, सो तुम कैसे लगे? तो पीछे तुमने बोल रहे बोलो कुछ यार। अरे छुंदर ना खाओ, कह बारीक का गुस्सा आएगा। नहीं, काम में लगी हुई है। काम में लगी हुई है। अच्छा, और तुम ठलुआ होगा? तुम ठलुआ हो? इसको खा लो फोन में। अच्छा,
और आज हम आए थे बटेश्वर धाम, जैसा आपको पता ही होगा। और आज हम जला रहे हैं बटेश्वर धाम में दिए। हमारे साथ हमारी पूरी टीम, शामूस और ये सिकंदर, और ये हमारे सिकंदर और कौशल अंदर लगे हुए हैं। और कुछ भी हम अच्छा जला दिए हैं, कुछ हम जला रहे हैं ऐसे, जैसे हमारे कौशल अंदर ये जला रहे हैं, इधर उधर भी जल रहे हैं थोड़ी बहुत। कौशल अंदर आपको कैसा लग रहा है करने के बाद? बहुत अच्छा। शामू आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सबको बहुत अच्छा ही लग रहा है, किसी को आनंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। वीडियो बने रुकिए जी।